नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर। जान दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 100 रुपये के स्टार नोट। दोस्तों इन स्टार नोट में ऐसे कई नोट आते हैं जो कि रेयर नोट हैं और जिनकी कीमत की बात करें तो 20,000 रुपये तक जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस कारण स्टार नोट रेयर होते हैं और किस कारण ये महंगे बिकते हैं। दोस्तों आप एक काम कीजिए, एक पेंसिल और एक कॉपी ले लीजिए और साथ में नोट कर लीजिए कौन से साल का और कौन सा नोट रेयर नोट है और कौन सा कीमती नोट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना शुरू से अंत तक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है खास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस कारण ये स्टार नोट महंगे होते हैं। स्टार नोट में कौन कौन सी खास बात होती है। स्टार नोट में सबसे पहले देखना होता है गवर्नर के हस्ताक्षर, दूसरा ईयर कौन से साल का स्टार नोट है, तीसरा प्रीफिक्स और चौथा इंसर्ट। ये चार बातें एक स्टार नोट को रेयर बनाती है। इन नोटों को स्टार नोट का नाम क्यों दिया जाता है। दोस्तों स्टार नोट कैसे बनते हैं। जब नोट की कटिंग करते वक्त या मिसप्रिंट हो जाती है तो ऐसे नोटों को रिजेक्ट करके दोबारा से जारी किया जाता है और उन्हें नाम दिया जाता है स्टार का। ये 100 रुपये के स्टार नोट 2009 से शुरू हुए थे। इन नोटों से पहले एग्रीकल्चर वाले नोट और 100 रुपये के ब्लैक नोट में आपको स्टार नोट देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में वही नोट ले रहे हैं जो कि कीमती हैं। इसमें जो सबसे पहला नोट आता है वो है 2009 का डी सुब्बाराव का, एफ इंसर्ट प्रीफिक्स था OCM। इस नोट की प्राइस है 1750 रुपये। फिर अगला नोट है 2009 का ही, जिस पर सिग्नेचर थे डी सुब्बाराव के, इंसर्ट था R और प्रीफिक्स है OCQ। ये एक रेयर नोट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये तक जाती है। अगला नोट है 2011 का डी सुब्बाराव, R इंसर्ट प्रीफिक्स है OCA। इस एक नोट की कीमत है 7,500 रुपये। फिर अगला नोट है 2012 का डी सुब्बाराव, एफ इंसर्ट जिसका प्रीफिक्स है OCM। इस एक नोट की कीमत है 1500 रुपये। अगला नोट है डी सुब्बाराव का 2013 में जारी किया गया नोट जिसका इंसर्ट था S, प्रीफिक्स है 9BW। ये एक रेयर नोट है जिसकी कीमत 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है। फिर अगला नोट है रघुराम जी राजन का साइन किया वाला नोट, प्लेन इंसर्ट प्रीफिक्स है 9AA, जो कि 2013 में जारी किया गया था। एक वेरी रेयर नोट है और इसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक हो सकती है। अगला नोट 2013 का ही, रघुराम जी राजन का प्लेन इंसर्ट जिसका प्रीफिक्स है 9AB। ये एक वेरी रेयर नोट है, इसकी भी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक हो सकती है। अगला नोट डी सुब्बाराव का जो एक म्यूल नोट है, म्यूल के बारे में किसी और वीडियो में, ई इंसर्ट जो कि 2014 में जारी किया गया था जिसका प्रीफिक्स है 2CM। इस नोट की कीमत की बात करें तो वह है 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। अगला नोट है 2015 में जारी किया गया रघुराम जी राजन का, आर इंसर्ट
प्रीफिक्स है OGM, 2015 में जारी किया गया नोट जिसकी कीमत है 7,500 रुपये। अगला नोट 2015 का ही, रघुराम जी राजन के साइन किया वाला नोट, प्लेन इंसर्ट, प्रीफिक्स है 9AA। इस एक नोट की कीमत है 1,000 रुपये। अगला नोट है 2016 का, रघुराम जी राजन के साइन वाला नोट, ई इंसर्ट, प्रीफिक्स है 5CM। एक रेयर नोट है, इसकी कीमत है 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। अगला नोट है 2016 का, रघुराम जी राजन के हस्ताक्षर वाला ये नोट जिसका इंसर्ट है L, प्रीफिक्स है 8CC। ये एक वेरी रेयर नोट है, इसकी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये। अगला नोट है उर्जित पटेल, प्लेन इंसर्ट, जिसका प्रीफिक्स है 6CC, जो कि 2016 में जारी किया गया था ये नोट। इस एक नोट की कीमत 3,000 रुपये है। फिर अगला नोट उर्जित पटेल, ई इंसर्ट, प्रीफिक्स है 5CM, जो कि 2016 में जारी किया गया था। इस नोट की कीमत है 2,500 रुपये। एक नोट की कीमत 2,500 रुपये। अगला नोट उर्जित पटेल, प्लेन इंसर्ट, जो कि 2017 में जारी किया गया था ये नोट, जिसका प्रीफिक्स है 6CM। इस एक नोट की कीमत 3,000 रुपये है। दोस्तों, ये जानकारी थी रेयर और वेरी रेयर नोट की जानकारी। और जो बाकी स्टार नोट है उनकी कीमत की बात करें तो वह है 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। दोस्तों, एक बार आपको इस गाइड बुक से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ही सही है। दोस्तों, ये जानकारी इंडियन पेपर मनी गाइड बुक से दी गई है, जिसमें हमने आपको बताया है। ये एक रेयर नोट है, डी सुपर आर इंसर्ट, जिसकी कीमत, एक रेयर नोट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये तक जाती है। अगला नोट डी सुपर आपका आर इंसर्ट, 2011 का नोट, प्रीफिक्स है OCA, इसकी कीमत 7,500 रुपये है। अगला नोट जिसकी कीमत 1,500 रुपये, 2012 का नोट, 2013 का नोट जो कि रेयर नोट है जिसकी कीमत 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जाती है। फिर 2013 का ही नोट, रघुराम जी राजन के हस्ताक्षर वाला ये एक वेरी रेयर नोट है जिसका इंसर्ट प्लेन है और प्रीफिक्स 9AA है, इसकी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जाती है। फिर अगला नोट रघुराम जी राजन, प्लेन इंसर्ट, प्रीफिक्स 9AB, ये एक वेरी रेयर नोट है जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक जाती है। फिर 2014 में जारी किया गया डी सुबाराव के हस्ताक्षर वाला ये नोट एक म्यूल नोट है, ये भी एक रेयर नोट है जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक जाती है। फिर अगला नोट रघुराम जी राजन का हस्ताक्षर वाला आर इंसर्ट, प्रीफिक्स है OGM और जिसकी कीमत 7,500 रुपये तक जाती है।
ये 1,000 रुपये का प्लेन इंसर्ट 9AA। फिर अगला नोट, रघुराम जी राजन ई इंसर्ट प्रीफिक्स 5CM। एक रेड नोट है जिसकी कीमत 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक जाती है। फिर एक वेरी रेड नोट, रघुराम जी राजन 2016 में जारी किया गया नोट, एल इंसर्ट प्रीफिक्स है 8CC। एक वेरी रेड नोट है जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 तक जाती है। अगला नोट, उर्जित पटेल प्लेन इंसर्ट 2016 का इशू प्रीफिक्स है 6CC। इस एक नोट की कीमत 3,000 रुपये स्टार नोट की। फिर अगला नोट, उर्जित पटेल ई इंसर्ट प्रीफिक्स है 5CM। इस एक नोट की कीमत 2,500 रुपये। फिर अगला नोट, प्लेन इंसर्ट 2017 का उर्जित पटेल प्रीफिक्स है 6CM, जिसकी कीमत 3,000 रुपये तक जाती है। और दोस्तों, जितने भी स्टार नोट हैं उनकी कीमत 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की है। हाँ दोस्तों, इस बुक में थोड़ी सी कीमत ज़्यादा बताई गई है, लेकिन हमें इस बुक से, इस गाइड बुक से ये पता चल जाता है कि कौन सा रेट नोट रेयर है, कौन सा स्केयर है और कौन सा वेरी रेयर है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।